आज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आपका दोस्त आपका भाई अब्दरिमान आपको अपने चैनल रिमान क्रिकॉर्म में करता हूं वेलकम जी तो दोस्तों जी आ गया वो शाहका जिसका था सबको इंतजार टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो गया है आज श्रीलंका और निमेबिया की टीमों के दरमियान मैच खेला गया दोस्तों आपको बताता चलूं कि आज श्रीलंका की टीम जिस तरह शिकस्त से दो चार हुई ये बात श्रीलंकन टीम और श्रीलंकन नेशन के लिए और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए बायस से शर्मिंदगी है क्योंकि निमेबिया की एक छोटी सी टीम जिसको मैं छोटी सी टीम इसलिए कहूंगा क्योंकि एक बड़ी टीम नहीं है वो तो उससे शिकस्त से दो चार हुई एक आसान मुकाबले के बाद निमेबिया की टीम ने श्रीलंका को हरा दिया तो आवाज आगाज तो इस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का कुछ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला नहीं देखने को मिला तो आगे वाले मैचेस में ड्यू एक अच्छे मुकाबले टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको बताता कि इस वर्ल्ड कप में दुनिया क्रिकेट की बड़ी बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश इंडिया अफगानिस्तान उसके अलावा नविम्बिया की छोटी टीमें इनको मैं कहूँगा और काफ़ी मतलब इस, इनसे रिलेटेड काफ़ी टीमें दोस्तों आपको बताते चलूँ कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊंचे उछाल वाली पिचेस पर खेला जाएगा इसके अलावा न्यूजीलैंड भी होस्ट करेगा इस वर्ल्ड कप को तो अभी देखना पड़ेगा कि एशियज जितनी भी टीमें एशियन वो इन पिचेस पर कैसे खेलती हैं स्पेशली पाकिस्तान हम देखेंगे कि वो इन ऊंचे उछाल वाली पिचेस पर कैसे खेलती हैं कैसे प्ले करती हैं वो टी वर्ल्ड कप 2022 को तो आपको बताता जुलून नाजरीन कि के श्रीलंका इंडिया बांग्लादेश अफग़ानिस्तान पाकिस्तान इंडिया जितने भी ये सब टीमें एशियाज में एशियन जितनी भी कंट्री हैं इनको जो है वो अपने होम ग्राउंड के सामने खेलने का बड़ा तजर्बा है लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये कैसे खेलती हैं ये अभी देखना बाकी तो पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी रिक्वेस्ट हमारी दुआ है हमारी विश है कि पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की क्यादत में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीतकर वतन वापस आए और ट्रॉफी लेकर ये वापस आए लेकिन अगर बात की जाए ऑन द पेपर तो पाकिस्तान की टीम का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और ना ही इतनी कोई अच्छी टीम है सुाये चंद प्लेयर के पाकिस्तान की गो के बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की दुनिया की नंबर वन बॉलिंग है हारस शहीन शाह आफरीदी इसके अलावा अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो शादाब खान और नवाज़ यकीन बहुत बड़े बड़े नाम लेकिन रजवान और बाबर के अलावा मिडिल आर्डर में पाकिस्तान का कोई ऐसा हीरा नहीं है जो पाकिस्तान की डूबती कश्ती को सहारा दे दोस्तों इसके अलावा इंडिया श्रीलंका अफगानिस्तान बांग्लादेश ये सब वो टीमें जो वर्ल्ड कप की खेल रही हैं इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ बड़ी बड़ी टीमें हैं तो इन सब टीमें जो है वो अच्छी कारी इन से दी है लेकिन आपको बताता चलूं कि टी ट्वेंटी जो है वो क्रिकेट है वो ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अगर आप दो से तीन ओर जो है अच्छे खेल जाएं तो आप किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा खेल पेश कर सकते हैं तो टी ट्वेंटी में किसी भी टीम को फेवरेट कहना बिल्कुल गलत होगा लेकिन फिर भी मेरे काफ़ी दोस्त अबाप जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रमान भाई आप अपनी फाइनल दो टीमें सेलेक्ट कीजिए आप फाइनल में देख रहे हैं तो वैसे तो इट इज़ टू अर्ली टू से कि अभी मैं कह दूं कि दो टीमें लेकिन जो मेरा तजर्बा है जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पर मैं कहूँगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की दो टीमें हैं जिनको मैं फाइनल में देख रहा हूँ के पाकिस्तान इंडिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज ये भी बड़ी बड़ी टीमें इन इनमें भी ऐसा दम दमखम है कि ये वर्ल्ड कप जीत सकती हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये दोनों टीमें जो हैं बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाली टीमें हैं और उनका डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और तकड़ा है तो देखते हैं अभी लड़सी के अभी पाकिस्तान का जो मैच पढ़ने वाला है इंडिया के साथ 23 अक्टूबर को सुनने में ख़बरें गर्दिश में कर रही हैं कि उस मैच में बारिश जो है वो काफ़ी करदार अदा कर सकती है और ऐसी ख़बरें सुन रहे हैं कि एक एक पॉइंट इनको दिए जाए तो इट्स जो है वो इट्स वेरी अर्ली टू से कि बारिश उस दिन हो जाए लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये क्रिकेट की बदकस्मती है पाकिस्तान और इंडियन के लिए तो इसके अलावा जितने भी मैचेज नाजर ने कराँ आपको बताता कि जितने भी मैचेस होंगे हम उनमें उर्दू कमेंट्री का आगाज करने लगे हैं तो द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज माई चैनल ऑन रेगुलर बेसिस देर इज़ अ स्पेशल थैंक्स फॉर दोज पीपल हु आर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हु आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम देर इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर देम टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज टू ऑल द अदर फैमिलीज एंड अदर फ्रेंड्स जी तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कैसा खेलेगी तो ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा लेकिन पाकिस्तान टीम का मेडल ऑर्डर हमने काफ़ी डिस्कस किया गो कि लास्ट जो है वो टी ट्वेंटी मैच जो हुआ फाइनल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया उसमें पाकिस्तान का मेडल ऑर्डर हल्का सा मैं कहूंगा कि अच्छा खेला लेकिन अभी काफ़ी मैचेस जो है वो पाकिस्तान के ऊंचे उछाल उछालवरी पिचेस पर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमों के दरमियान खेले जाएंगे तो इनसे अभी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम कैसे बिहेव करती है और अभी पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के साथ पड़ेगा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी अच्छे मैचेस इनसे ड्यू हैं तो देखते हैं नाजरीन के अभी आने वाले मैच में क्या आ, होता है तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल रेमान क्रिकेन को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को थैंक यू